हे गाइस, वेलकम बैक टू द एआर यूट्यूब चैनल। और धनबाद, जिसे हम कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, यहां से पूरे इंडिया में कोयला भेजा जाता है। आईआईटी आईएसएम यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जिसे 1926 में धनबाद में एस्टेब्लिश किया गया था, आज भी यहां पूरे भारत में स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। पॉपुलेशन में पूरे झारखंड में ये जमशेदपुर के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इवन इसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटी भी कहा जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ लोग गंदगी फैलाते हैं, बल्कि ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ माइनिंग करके कोयला निकाला जाता है, स्पेशली झरिया के साइड में। यही वजह है कि कोल डस्ट इतनी अधिक मात्रा में रिलीज होती है कि पूरे एरिया में गंदगी फैल जाती है। यहाँ आने जाने के लिए रोड और रेल मार्ग की सुविधा उपलब्ध है, पर एक चीज जो यहाँ पर मिसिंग है वो है एयरपोर्ट। अक्सर यहाँ के लोगों की मांगे रहती है कि यहाँ पर एक एयरपोर्ट बनाया जाए, पर आज तक भी यहाँ पर कोई भी एयरपोर्ट नहीं बन पाया। आखिर ऐसा क्यों? आखिर एक एयरपोर्ट बनाने के लिए किन किन चीजों को ध्यान देना पड़ता है, आइए सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि धनबाद में कभी एयरपोर्ट था ही नहीं। साल 1980 में धनबाद बरवड्डा रोड के साइड में एक एयरपोर्ट बनाया गया था। उस वक्त सिर्फ छोटे प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स ही यहां पर टेक ऑफ और लैंडिंग किया करते थे। धनबाद से रांची, कोलकाता और पटना जाने के लिए यहां पर फ्लाइट्स उपलब्ध थी, पर ये एयरपोर्ट आने वाले 5 से 6 सालों तक ही चल पाया और साल 1987 में इस एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। इसका सबसे बड़ा कारण था इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स नहीं था, कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टावर भी नहीं था। पर आखिर इसकी जरूरत क्या है? दोस्तों, साल 1980 के दशक में प्लेन तो उड़ रहा था, तो अब क्यों नहीं उड़ सकता? इसे समझने के लिए हमें एयरपोर्ट और प्लेन्स के बेसिक नीड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। 1980 के दौर में ऐसा कोई भी रूल्स नहीं था कि एयरपोर्ट में रडार का होना जरूरी है, टावर का होना जरूरी है। उस दौर में सिर्फ एक रनवे होना जरूरी था जहां पर प्लेन टेक ऑफ और लैंडिंग कर सके। उस दौर में प्लेन के पायलट्स एटीसी से बात नहीं करते थे, बल्कि वो उस एरिया में उड़ रहे दूसरे पायलट से बात करते थे। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जिस तरह से आज हम कॉल कॉन्फ्रेंस करके 2-4 दोस्त मिलकर बात कर सकते हैं, वैसे ही प्लेन में एक साथ बात करने के लिए एक ट्रांसपोंडर होता है। अगर किसी एयरपोर्ट के आसपास 4 प्लेन है तो चारों का ट्रांसपोंडर सेम फ्रीक्वेंसी में ट्यून रहेगा। इससे होगा ये कि वो चारों एक दूसरे से बात कर सकते हैं। हर प्लेन का पायलट कुछ ही मिनटों में ये बताता रहता है कि भाई हम यहाँ पर हैं और इतने एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहे हैं। इस तरह से वो चारों प्लेन बारी बारी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं बिना किसी एटीसी के मदद के। लेकिन इसमें खतरा भी बहुत होता है, क्योंकि अगर भारी मात्रा में बारिश हो रही है तो कई बार रेडियो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, इवन प्लेन का इंस्ट्रूमेंट्स भी गलत रीडिंग देने लगता है। ऐसे में हो सकता है कोई प्लेन बिग बाजार में जाके टकरा जाए और सैकड़ों लोगों की जान चली जाए। इसलिए समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट भी होना जरूरी है। 12 नवंबर 1996 दिल्ली के चरखी दादरी में 2 प्लेन्स आपस में टकरा गया, क्योंकि वहां पर सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार मौजूद नहीं था। हादसे में 339 लोग मारे गए। आसमान से लाशों की बारिश हो रही थी। अगर आप और हम पैसे देकर टिकट ले रहे हैं तो सेफ्टी भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, और इस मामले में धनबाद का एयरपोर्ट खरा नहीं उतरा। फाइनली इस एयरपोर्ट को महज 6 से 7 सालों के अंतराल में ही बंद कर दिया गया। वैसे ये एयरपोर्ट आज भी वहाँ मौजूद है, लेकिन रेगुलर बेसिस में यहाँ कोई प्लेन टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं करता। इवन मेंटेनेंस भी होता है या नहीं, इसके बारे में भी कुछ बताया नहीं जा सकता। मैं भी धनबाद से हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक बार एयरपोर्ट घूम के आते हैं। ये है इस एयरपोर्ट का मेन गेट। अंदर झांक के देखा तो 4 लोग मौजूद थे और सभी के सब हिल रहे थे। मैंने उन लोगों को बहुत बोला कि भाई थोड़ा सा वीडियो बनाने दो, पर अफसोस सबने मना कर दिया। मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, अंदर जाने का अलाउ नहीं होगा। लेकिन जब मैंने YouTube पर सर्च किया तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस भरे पड़े थे जिसमें एयरपोर्ट के अंदर घुसकर ब्लॉग बनाया जा रहा था। खैर, अब क्या ही कर सकते थे, बस फोन उठाया और बाहर बाहर से वीडियो बना के निकल लिए। अब यहाँ पर कभी कभी हेलीकॉप्टर लैंडिंग करता है, अगर किसी नेता को भाषण वगैरह कुछ देना हो तब। पर क्या इस बंद हुए एयरपोर्ट को फिर से रीओपन नहीं किया जा सकता? दोस्तों, धनबाद के बरवड्डा में स्थित इस एयरपोर्ट को रीओपन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बड़े एयरपोर्ट के लिए ये जगह बहुत ही छोटी है।
इवन इसके ठीक साइड से एक मेन रोड गुजरती है। अगर एयरपोर्ट को एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये रोड भी रनवे के बीचों बीच आ जाएगा। स्पेन में एक ऐसा ही एयरपोर्ट जिब्राल्टर एयरपोर्ट है, जिसके रनवे के बीचों बीच एक हाईवे गुजरती है। जब प्लेन उड़ान भरते हैं तब फाटक बंद कर दिया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कि रेलवे लाइंस और रोड्स के बीच होती है। यानी कि धनबाद के इस एयरपोर्ट को रीओपन किया जा सकता है। धनबाद के जो मूल निवासी हैं, वो समय समय पर एयरपोर्ट की मांग करते आए हैं। कई बार रोड में जुलूस भी निकला पर कोई फायदा हुआ नहीं। एक बड़े एयरपोर्ट को बनाने में कम से कम 500 एकड़ से अधिक बड़ी जमीन की जरूरत पड़ेगी और इसमें भी सिर्फ एक सिंगल रनवे बनेगा। बात करें इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तो इसके लिए 2000 से 3000 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ सकती है। एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार बलियापुर में लगभग 200 एकड़ जमीन ही मिल पाया, जबकि गवर्नमेंट ने 500 एकड़ जमीन की मांग किया। इन सारे मुसीबतों को ध्यान में रखते हुए सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर इतना करने की जरूरत क्या है, अगर हमारे पास इससे भी बेटर ऑप्शन हो। जी हाँ, इससे भी एक बेटर ऑप्शन है हमारे पास, बोकारो। बोकारो एयरपोर्ट धनबाद से लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में धनबाद में एयरपोर्ट बनाना उतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा। हाँ, ये बात और है कि हम धनबाद से जुड़े हुए हैं, इमोशनली थोड़ा कनेक्टेड हैं, इसलिए मेरा ये कहना उतना सही नहीं है कि धनबाद का अल्टरनेट बोकारो हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट को किसी के सेंटिमेंट से मतलब नहीं है। एयरपोर्ट का होना अगर प्रॉफिटेबल है तभी एयरपोर्ट को बनाया जाएगा। तो फिर आखिर कंक्लूजन क्या निकलता है, क्या इसे रीओपन किया जा सकता है? देखो, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, लेकिन आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि एक एयरपोर्ट को ओपन रखने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है वो है एक आदमी जिसके पास रेडियो हो और एक रनवे। ऑस्ट्रेलिया में अलायंस स्प्रिंग एयरपोर्ट है, एमसी मुर्डो स्टेशन है अंटार्कटिका में। ऐसे ही खोजने से आपको बहुत सारे एयरपोर्ट्स मिल जाएगा जहां पर कोई भी रडार मौजूद नहीं है, बस एक एटीसी कंट्रोलर होता है और एक लंबा सा रनवे। वैसे भी रडार का इस्तेमाल सिर्फ आरनेव के लिए किया जाता है। एटीसी सिंपली प्लेन को गाइड करके एयरपोर्ट तक ले जाएगा। पायलट एयरपोर्ट को देखते हुए एक चक्कर लगाकर लैंड कर जाएगा। यहाँ पर रनवे की लंबाई भी डिपेंड करती है इस बात पर कि कौन सा प्लेन लैंड करने वाला है। अगर एक छोटा प्रोपेलर वाला प्लेन है तो वो 500 फीट ऊपर से एयरपोर्ट का चक्कर लगाएगा। मीडियम या लार्ज प्रोपेलर वाला प्लेन है तो वो 1000 फीट के ऊपर से एयरपोर्ट का चक्कर लगाएगा। वहीं अगर जेट इंजन वाला प्लेन है तो वो अपने साइज के अनुसार 1500 से 2000 फीट के एल्टीट्यूड में एयरपोर्ट का चक्कर लगाएगा और रनवे पर लैंड कर जाएगा। अब क्योंकि बड़े प्लेन्स को हवा में बने रहने के लिए तेजी से उड़ना पड़ता है, इसलिए लैंडिंग के समय इसे रोकने के लिए थोड़ी अधिक रनवे की जरूरत पड़ती है। वहीं सेसना 172 जैसे छोटे प्लेन्स आसानी से 300 मीटर के रनवे पर भी लैंड कर सकता है। धनबाद एयरपोर्ट की लंबाई 1136 मीटर है। इट मींस आसानी से छोटे प्लेन्स यहां पर लैंड कर सकते हैं, बशर्ते यहां पर एक एटीसी हो। लेकिन सवाल घूम फिर के फिर से वही आता है कि आखिर जरूरत क्या है, अगर इससे भी बेटर ऑप्शन हमारे पास है। सो आई होप अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।